बड़ी किंग न्यूज, अब तक की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जहां पर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने MIM को दिया अपना समर्थन। जानने के लिए बने रहें सच के साथ चैनल में। मैं गुलाम आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस प्रकार की खबर आपको तुरंत मिल जाएगी। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आखिर तक इस खबर को देखें। तो चलिए शुरू करता हूं। आपको बताता चलूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM और BBA वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच गठबंधन टूट चुका है। जहां पर दोनों ने लोकसभा चुनाव में साथ साथ चुनाव लड़े थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव आते ही दोनों के बीच गठबंधन टूट चुका था सीटों के बंटवारे को लेकर के। पर एक खबर अभी आ रही है कि जहां पर औरंगाबाद से MIM के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल गफ्फार कादरी, वहीं पर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर साहब ने लेटर लिखकर के अपने वोटरों से अपील की है कि वो MIM के कैंडिडेट को वोट करें। जी हां, उसको समर्थन दे दिया है। सबसे बड़ी खबर यही थी। और जहां जहां से भी MIM के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वहां के सारे वोटरों से अपील किए हैं उन्होंने अपने चाहने वालों से कि MIM के कैंडिडेट को वोट करें। तो सबसे बड़ी बात यही थी। और MIM के खिलाफ वो कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, और MIM भी वंचित बहुजन अघाड़ी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी। दोनों में गठबंधन नहीं है, लेकिन गठबंधन होने का चांस है, चांस दिख रहा है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह थी, सबसे बड़ी खबर ये थी। और मैं सलाम करता हूँ एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब को कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, MIM के समर्थन में आगे बढ़ा। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर थी ये। आपको खबर कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें, खबर को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया खबर को देखने के लिए।